पागल हो गए दोनों तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर लग जाएगी अभी नहीं। देखना फेक कराया जाए ना, देखना उसकी फेक कराया, देखो। अच्छा लेट्स गो वॉक। We came to meet here something, I don't know, जो भी ग्रिल है। लेकिन जब यहाँ पे आए हैं तो ये देखें प्रोटेस्ट हो रहा है किस चीज का, मुझे नहीं पता किस चीज का हो रहा है। टोरंटो में है, टोरंटो में। I have no idea what kind of करीब आएंगे तो पता लगेगा, अभी तो पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है मुझे। लॉकडाउन कह रहे हैं कुछ। वेकअप इंटरव्यू, नो टेस्टिंग नो कोविड, रियली। मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और अभी किसी ने मुझे कहा लुक एट दिस लेडी शी इज वेयरिंग अ मास्क, क्योंकि ये लोग मास्क के अगेंस्ट कोविड लॉकडाउन के अगेंस्ट कर रहे हैं। और मुझे कह रही है जाते वेर कि आपने मास्क पहना हुआ है, कैंसर जो है मास्क की वजह से होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। कैन यू इमेजिन दैट, ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। इट्स सो नाइस। Next good. What did you eat? I don't remember I ate that. You said you had it before? Yeah, you had it. Maybe it looked different, but you had it. Look at the sweets. हमने ये क्रिसमस मार्केट से खाई थी। So good. Yes. And you can get one of those. Do you want ice cream? No ice cream on that one. ये देखें यहाँ पे सामने बना। ये है क्या हो गया? कैसे 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 बाहर जाके खाएंगे। So wait. It tastes as good as we remembered. कैसा? Good. वैसा ही है जैसा क्रिसमस मार्केट पे खाया। तुम बोलो ना। Yes. Mm-hmm. It's good. That's good. I like it. That's nice. ये देखें जी, टाइल जो हमने सिलेक्शन की है उसमें थोड़ा सा ग्रे का टच भी रखा है, जो कि हमारी स्टेयर केस और बाकी वुड ग्रे में होगी। बच्चा किया जाए अभी तो ये टाइल है, इंशाल्लाह जब फिनिश होगा तो फिर ये बच्चा काम कर रहा है। अच्छे जो काम के अंदाज से पता लग जाता है कि बहुत ही एक्सपर्ट माहिर हैं जो कर रहे हैं। तो बाकी फिर आपको उससे पहले आपको बताइए, मैं सीखा के सीमेंट करके शायद मैं कहीं कल नहीं कवर कर दिया, भूल ना जाओ दोबारा ना देगा। वैसे रिपीट तो मेरी एक चीज़ तो कोई हो ही जाती है दोबारा। चले फिर बाकी कल बताएंगे इसके जब ये पूरा फिनिश होगा।
अच्छा वो वाकई सही बात है, आस पास देखती ऐसे हथौड़े चलते हुए भाई, इतनी मेहनत तो 13-14 साल बंदे को हो जाते हैं जाग रही। लेकिन क्या बोलूँगा, चलो मेरा काम है तो सफाई हमने की सारी, ऊपर से इसको कमरे भरा हुआ था और नीचे सब वो ड्रास वगैरह निकाले, लेकिन अब अंदाजा हुआ जो नहीं कर रहे थे सारा खाली करते तो हमें बर्तनों का वो इश्यू नहीं होगा। देखें जी ये किचन है, आगे हो जाओ, ये है किचन तुम्हारा। मैं कुकिंग कहाँ करूँगी, अब मैं कुकिंग कहाँ करूँगी, बस कुकिंग वुकिंग भूल जाओ, अभी फिलहाल तो ये बने और ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बनेगा। चले जी ये मैं इसमें यहाँ इंट्रो करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल, आप सबका क्या हाल है। ये देखे मेरा ये हाल है, हमारा ये हाल है। और मुझे नहीं पता कि अब मैं और किचन में काम कर सकूंगी कि नहीं, कुकिंग कर सकूंगी कि नहीं, तो नहीं। आप देखते रहे वीडियो हमारे साथ क्या होता है। अभी तो कुकिंग यानी जब बनेगा तो जाहिर करोगी, लेकिन अब तो नहीं कर सकती ना। ये हो गया, ये देखे ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये फ्लोर बन रहा, ये बन रहा सारा। और अभी आसपास तुम्हें कहना चाहिए था वेलकम टू माई किचन। ये वहाँ के लोग, दूसरे अपने पाकिस्तान बैक कंट्रीज के लोगों के लिए, यहाँ तो वहाँ तो डिस्पोज आप बाहर कॉर्नर पे कहीं साइड पे फेंक दिया, वो फेंक दिया। खैर वहाँ भी जो बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उनके भी डिस्पोजल के लिए वो होते हैं। तो यहाँ ये अब इसका खाली, ये कितना 2 फिट हाइट भी नहीं है इसकी मेरा ख्याल, मुश्किल से 2 फिट होगा चलो, और लंबा कितना होगा ये 8 फिट लंबा होगा, चलो यूँ ले लें अगर इसको मैं यूँ देखूँ, हाँ मेरा ख्याल 8 फिट लंबा है। तो इसका किराया आप देखें $350 है, $350 है। अब वहाँ का बंदा जो हिसाब लगाना चाहे लगा ले इसको कि इसके लिए। तो ये इनका कोई बहरहाल ये मैंने कंफर्म नहीं किया, कोई ये पैकेज ही होता है, ये नहीं कि एक दिन आए और बस उसी बदले गए, इसका कोई शायद प्रॉब्लम ये वीक के लिए जितना काम चल रहा हो या जो भी ऐसा कुछ है। लेकिन मुझसे जो चार्ज उन्होंने किए वो $350 इसके रेंट के, तो ज़ाहिर है ये 3 दिन तो हो गए पड़ा हुआ, इसका मतलब मे भी ये वीक के हों, तो या ऐसा होगा जब ये फिल होगा तो आप भी इनको कॉल करते होंगे कि ये फिल हो गया ले जाओ दोबारा रख जाओ, ये जो भी है वन टाइम फ़िलहाल मैंने दिए। तो ये मैंने कहा चलें ये भी शेयर करूँ आपसे कि ये टाइलें शाइलें ये हमारे देखें एक ग्रेनाइट एक ज़माने में ये कितना टॉप ऑफ द लाइन इसको लिया जाता था, और ये पत्थर जैसे ग्रेन देख लें वो पत्थर टाइप में, हम देसी ज़माने में तो पत्थर ही कहें जैसे ये बनाया हुआ होता है या क्या है। तो ये निकाल निकुल के सारे आज वो फेंक गए और तोड़ के इसको, तो सो फार ये है, देखते हैं फिर अल्लाह करे अब ये रेनोवेशन से जल्द जाम चले। बाकी तो सारा उन्होंने बड़ा मेन काउंटर तो तोड़ के निकाला, लेकिन ये आइलैंड बीच में जो था ना पीस टुकड़ा, अगर आप लोगों ने वीडियोज़ में देखा होगा तो ये वो कई दफ़ा पकड़ पकड़े तो ये ऑलरेडी लूज़ हुआ था, तो उन्होंने दोनों तरफ से पकड़ के जो झटके दिए तो ये उठ निकल के ये पूरा। तो कई लोग ये करते हैं इसको टेबल अगर आप ले के फल करें टेबल बनी बने इस लेंथ की ले के उसके ऊपर इसको रख के, तो बैकयार्ड में लोग टेबल जो रखते हैं तो उससे फिर ये बारिश से गीले का भी डर नहीं, क्योंकि ये ग्रेनाइट है तो उसके ऊपर वो भी, तो बहुत सारे लोग इसका ये यूज़ करते हैं। हमने बड़ा सोचा कि ये करें, फिर इसके लिए ये है कि आप टेबल लाओ, टेबल ला के फिर वो रखो, फिर इसको इंस्टॉल करवाओ, बंदा बुलाओ। हमने कहा बस जाने दो फेंको इसको भी, हालांकि अभी तक देखें ये टूटा नहीं है, लाके उन्होंने इसमें फेंका भी है तो भी नहीं टूटा भी है, बाकी सब तोड़ के निकाला उन्होंने। पहले परेशानी हो रही थी, देखिए ये सिंक माशाल्लाह ये चेंज हो गया, ये काउंटर टॉप बदली आज हो गए, तो आज हम घर पहुंच गए हैं। कल ईद कल थी, कल उधर ही थे, तो आज फिर हमने कहा कि
ईद गलती आसपा परसों हुई है, परसों थी तो कल का दिन उधर ही रहे क्योंकि काम चल रहा था। तो अभी फिनिशिंग जैसे इसकी ये फिलिंग विलिंग सब ग्राउंड बाकी है तो ये देखें बिफोर और फिर आफ्टर ये दोनों का इसका जैसे ये वाटरफॉल भी ये लगाई है इसने एडिशनल तो ये देखें पोर्च से लेकर माशाल्लाह अभी जाहिर है इसका बॉर्डर क्या उसका एक ख़ास नाम होता है वो बेसबोर्ड वो अभी स्पेशल टाइप का एक होता है वो लगेगा। अगर आप यहाँ से देखें पूरा हाल वे ये हो गया और ये भी ये नीचे वाला टुकड़ा गया और किचन वाशरूम वो कर दिया अभी ये टुकड़ा बाद में ताकि जाने के लिए भी बेसमेंट में भी जगह हो उसके लिए छोड़ दिया तो ये कर रहे हैं इसको वॉश करने के लिए कॉर्नर उनके सफाई कर रहे हैं कॉर्नर काफ़ी हद तक इन्होंने जैसे ये पीस है जैसे इन्होंने ये आलू ये लगा दिया अभी तो सो फार सो गुड ये पीछे का भी लगने वाला रहता है ये तब देखें जो स्पेशल इसके साथ आता है क्वार्ट्ज के साथ ये पीस अभी जो इसकी जगह पे यहाँ आएगा तो सो फार सो गुड माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका ये टुकड़ा भी यहाँ ये लगेगा इससे नीचे रहरा आपका वो आ जाएगा वो टाइल ही नीचे से ये घी वाली टाइल लेके ऐसे आपको यहाँ तक आएंगे और ये एक वायर का कनेक्शन हमने दिया पीछे से लेकर आ गए इधर और इसको हमने वो करना है क्या उसको कहते हैं इसके अंदर जो नीचे लाइटिंग लगाते हैं ये आसमान उसके लिए कहा था इसकी हाँ जी देखें ये ग्राउटिंग आज इनकी हो गई ये नीचे बेस ये भी रह गया अभी इसका बेस बोर्ड जो इसका जो बॉर्डर नीचे लगता है वो रहता है फिर इसको सही इसकी खूबसूरती नज़र आएगी लेकिन फिलहाल ये देखें ये जो इनकी ग्राउट भरना वो हो गया आज किचन वाले लोग भी आए थे तो उनका जो पहले हाफ आधा काम कल किया था आधा उन्होंने ये आज फाइनल करके गए तो कहते हैं आज इनको हाथ वाथ नहीं लगाएं ड्राई होती है इनकी जो सिलिकॉन कल शाम को फिर इसको ये आइलैंड देखें ये वाटरफॉल भी असल इसमें लगवाई है एडिशनल तो ये इस शक्ल में अभी आ गया है तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इसकी वीडियो भी डेली ना लगाऊँ एक ही टाइम पर जैसे लास्ट टाइम मैंने वो जो रेनोवेशन दिखाई थी तो पसंद की थी आप लोगों ने बहुत उस वीडियो को तो मैं ये छोटे छोटे क्लिप अब मेरा छोटा क्लिप भी मिनट तक पहुंच जाता है तो चले ये फिर बाकी मैं आपको बाद में ये देखें यहाँ तक ये सारा भर गया और ये माशाल्लाह थोड़ा सा लाइट जला के अगर मैं दिखा दूँ तो ये ग्राउटिंग हो गई तो देखते हैं फिर ये देखें ये कितनी दफ़ा हमने वो किस्म के जिसको कहते हैं ना दर बदर वाली बात है कि ये फिर देखें ये इतना खूबसूरत इसको डेकोरेट सना ने करा के फाइनल किया था उसके बाद अब ये प्लान हमने कर लिया कि ये भी अपग्रेड कर लें और इसको भी कर लें तो रेनोवेशन दोबारा शुरू हो गया वरना बेहतरीन हो गया था और आप इससे अंदाज़ा लगा लें ये सारा मेस इसको कहाँ संभालना है किस हालत में बैठे हुए हैं देख लें जब ही तो फिर हम टोरंटो वहीं रह रहे थे ये सारा जिधर आ रहा सामान फेंक रहे हैं ये देखें इसके पीछे भी हर जगह। अब मजे वाली बात है कि अब इसको जब इसको वुड को चेंज करना है ग्रे वुड तो ये सारा खाली चाहिए तो देखेंगे इसका वो जो वुड लगाने वाले उनसे मैं प्लान खुद भी मुझे कुछ साथ करना पड़े देखना पड़ेगा कि भी पहले एक साइड से इनको करो आधा हाफ करके इधर वाला ये वाला हाफ करो इसको इधर करो फिर सामान इधर ले आओ तो उसको करो इस समथिंग लाइक दैट या कुछ सामान इसे ये जो हमारा हॉल वे इसमें भी रख सकते हैं क्योंकि कल इसका ये जो ग्राउंड भर के इसकी जो दर्दें हैं कल ये फिल हो जाएंगी उसके बाद घंटे दो घंटे शायद उसके ऊपर पैर नहीं रखना होता और आफ्टर दैट गुड टू गो
इसलिए फिर हमने ये परवाह नहीं की इस वुड के ऊपर चलने की या मिट्टी की या डस्ट की, क्योंकि इसको दोबारा चेंज करके और ये गार्बेज फेंकना ही है बस इसको। ये है सूरत है यार। तो इंशाल्लाह फिनिश हो के फिर दोबारा प्रॉपर डेकोरेशन जो भी इसकी होगी, वो माहिर हमारे पास सना है आपको बताइए, बहू हमारी, वो उसका बड़ा डेकोरेशन का सेंस उसका बहुत ही अच्छा है, तो वो फिर करेगी दोबारा। तो इंशाल्लाह फिर आपको दिखाएंगे, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा।